नासा ने किया दावा, इस एस्टेरॉयड पर है पूरी दुनिया से ज्यादा दौलत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज समथिंग। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के बारे में जिसका मूल्य हमारी दुनिया के कुल दौलतों से ज्यादा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक एस्टेरॉयड पर एक स्पेस रोबोट भेजने का प्लान बना रही है, जिसमें खास बात यह है कि जिस एस्टेरॉयड पर यह रोबोट भेजा जा रहा है उसका मूल्य पूरी दुनिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा होने का दावा किया गया है, जिसका नाम है एस्टेरॉयड 16 साइकी और यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसकी दूरी पृथ्वी से 500 मिलियन किलोमीटर या 50 करोड़ किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि यह एस्टेरॉयड 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो सोने की भारी मात्रा के साथ अन्य धातुओं से भरा पड़ा है। दोस्तों साइकी नाम का ही एक एयरक्राफ्ट एस्टेरॉयड 16 साइकी पर अगस्त 2022 में भेजा जाएगा, जिसका एक डिजाइन रिव्यू भी नासा ने पास कर दिया है। यह एयरक्राफ्ट 16 साइकी पर पहुंचने के बाद वहां लोहे, निकेल और सोने की खोज करेगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई ग्रह रहा होगा जिसकी बाहरी परतें निकल चुकी है और अब सिर्फ कोर बची हुई है। फोर्ब्स मैगजीन के दावे के मुताबिक इस एस्टेरॉयड पर बेशुमार कीमती धातुएं हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों एयरक्राफ्ट साइकी को इलोन मस्क की कंपनी स्पेक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह एयरक्राफ्ट 2023 में मंगल के पास से गुजरेगा और जनवरी 2026 में एस्टेरॉयड का चक्कर काटना शुरू करेगा। वहां पहुंचने के बाद यह मैग्नेटिक फील्ड को नापेगा और न्यूट्रॉन्स गामा रे का एनालिसिस करेगा। दोस्तों दावा है कि एस्टेरॉयड साइकी 10,000 क्वाड्रिलियन यानी 10^19 डॉलर की कीमत का हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर एस्टेरॉयड मटेरियल बाजार में आने से बेस कीमती धातुओं की कीमत अचानक से गिर जाएगी और इस तरह की वस्तुओं का खनन बिक्री करने वाली सभी कंपनियों की वैल्यू गिरने लगेगी और पूरा बाजार बिगड़ सकता है। हालांकि नासा का कोई ऐसा इरादा भी नहीं है और यह दुनिया को कितना प्रभावित करेगी वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।